व्यूवर्स, आज हम सिर्फ और सिर्फ डैमेज गाड़ियों की कॉस्टिंग निकालेंगे और कोशिश करेंगे जितनी गाड़ियाँ हो सके मैक्सिमम तो सबकी करेंगे, क्योंकि काफ़ी भाइयों ने फरमाइश की है कि सिर्फ और सिर्फ डैमेज की एक वीडियो बनाए कि क्या कॉस्टिंग आ सकती है, फ़ायदा क्या है डैमेज गाड़ी अगर आप इम्पोर्ट करते हैं, कितनी सस्ती आपको पड़ सकती है, तो इन सब पे बात करते हैं। अच्छा जी, गाड़ी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट में पास ऑफ खोल रखी है, सेल्स स्टेटिस्टिक्स मैंने खोली हुई है, 3 महीनों का रिकॉर्ड है, 2020 से नीचे आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, 2020 से 2023 तक आप इसमें जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ कि इसमें जो है यहाँ पे ट्रिपल एक्स ये आपने सेलेक्ट करना है, ये डैश है ये भी डैमेज में आता है, और इसके अलावा एक्स है ये भी नो क्लेम की गाड़ी है और ज़ीरो भी डैमेज के ज़ुमरे में तकरीबन आती है, और इसके अलावा डबल नाइन ये गाड़ियाँ आप सर्च करें तो इसमें सारी डैमेज गाड़ियाँ आपको आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2022 की एक्स है, मैं वैसे ही खोल लेता हूँ, ये पीछे से हिट है, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे सोल्ड पे भी साथ में क्लिक कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोल्ड गाड़ियाँ हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डबल नाइन की काफ़ी गाड़ियाँ नो क्लेम की, यहाँ पे अगर ये मोड़ा देखें तो ये भी खोल लेते हैं, इसके अलावा ये वाली जो है ज़ीरो है ये बिल्कुल नो क्लेम की है, अक्सर अवकात ये ठीक भी होती हैं लेकिन फिर भी आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते भाई कि मुझे गाड़ी गलत मिली, ऑप्शन शीट इसका ठीक नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें फ्रंट से लगी है, इसके एयरबैग भी पटे होंगे, और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे मैं देख लेता हूँ, जी एयरबैग उसके जो है ऑलरेडी डैमेज है, एक्सप्लोड हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी रेट में गाड़ी बिकी है, 1,77,000 में गाड़ी उठी है और तकरीबन 6.5 लाख की गाड़ी है ये, 3,000 चली हुई है, बिल्कुल लो माइलेज है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि इसका इंजन डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इसको हिट काफ़ी तेज़ लगी है। तो ये एयरबैग इसके जो है जिसके खुले होते हैं तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है, लेकिन यहाँ पे उसके रिपेयर का ख़र्चा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट गाड़ी चेक करते हैं, हल्की पुल्की मैं बताता भी हूँ कि किस किस्म की हिट गाड़ी आप ले सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये गाड़ी पीछे से हिट है, यहाँ पे अगर इसकी शीट में अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके इसके टेल लाइट्स पे भी जो है लाइन लगी हुई है कि इसकी टेल लाइट भी डैमेज हैं, क्रैक्स आए हुए हैं या मिस सुराख आए हुए हैं या टूटे हुए हैं, ठीक है। और पीछे से तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑलरेडी लगी हुई है। अगर इसकी ट्रंक की बात की जाए तो ट्रंक इतना नुकसान नहीं पहुँचा, सिर्फ और सिर्फ इसके बम्पर को नुकसान पहुँचा है, और ये बम्पर यहाँ पर तकरीबन रिपेयर भी हो सकता है, पाकिस्तान में इसके जुगाड़ वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं तो इसकी जुगाड़ आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो लोडेड पैकेज है, क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, पुश स्टार्ट है, तो इस किस्म की गाड़ी अगर आप ले भी लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसको रिपेयर आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो इसमें ये बम्पर आपको बिल्कुल नया रिप्लेस करना होगा, नया बम्पर, और कराची में तकरीबन पार्ट्स हर किस्म के पार्ट्स आपको पास होकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जाली सी जो होती है ये भी मिसिंग है, ये अंदर पड़ी भी होगी शायद, और सिंपल सी गाड़ी है, 4,84,000 में ये गाड़ी बिकी है। यहाँ पे अगर इस पे आ जाएं मोड़ा में तो इसका ये फेंडर है, इसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको रिप्लेस करना होगा या जापान से ही वहाँ पे बाय करके इस गाड़ी में डालना होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें डाल लेते हैं तो इसकी ड्यूटी आपने फिर कस्टम में पे करना होगी कराची पोर्ट पर, तो ये बेहतर है आप यहीं से उठा लें। तो 6,01,000 में गाड़ी उठी है, सिर्फ और सिर्फ इसके फेंडर में काम है, बाकी गाड़ी ओके है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बम्पर भी इसका ठीक ही है, सिर्फ और सिर्फ इसके फेंडर को नुकसान पहुँचा है। अगर यहाँ पे इस साइड पे आ जाएं, ये गाड़ी देख लें, ज़ीरो ग्रेड की है, तो इसमें ऐसा कोई ज़ीरो ग्रेड की जितनी भी होती है उसमें आपको कुछ डैमेज वगैरह नहीं नज़र आ रहा होता, इंटरनली कुछ जो है उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें मोड़ा है, 1,000 किलोमीटर चली है, 22 मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, और इसको हिट लगी है एक साइड से, तो इसके एयरबैग्स भी खुले हुए हैं, ठीक है, इसके टायर में भी इशू आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके एयरबैग्स, ये स्टेयरिंग वगैरह ये या तो जापान से आप इसमें साथ में डाल लें, और हो सकता है बिल्कुल कंपनी से अगर आप रिक्वेस्ट कर लें, या आप वहीं पे जो है इसके ऑक्शन होते हैं, अलग से ऑक्शन होती हैं पार्ट्स के लिए, तो अगर आप उसमें अप्लाई करें तो इसके लिए एयरबैग्स या जो मुकम्मल जो इसका ये फ्रंट का जितना भी ये कंसोल है, ये डैशबोर्ड, ये आप जो है बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2,35,000 में गाड़ी बिकी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में। इसकी कैलकुलेशन अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगर मैं शीट खोल लेता हूँ नॉन हाइब्रिड के लिए, जी ये नॉन हाइब्रिड की शीट मैंने खोल ली हुई है, और ये 2022 मॉडल की ड्यूटी है, 1,000 सीसी के लिए 18,29,000 है,
आप इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं जी, मोडा है और बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, एलआरएम्स आप देख सकते हैं इस गाड़ी के, और सिर्फ इसके एयर बैग्स बदलने हैं, और एक साइड पे जो है इसका जो है बम्पर भी वो भी जो है कटा हुआ है, ये भी आपने रिप्लेस करना होगा। बोनट को भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचा लेकिन ये रिपेयर हो सकता है। तो अगर इसकी कॉस्टिंग मैं निकालूँ 2,35,000 में गाड़ी उठी है, और फ्रेट क्योंकि डैमेज गाड़ी है, डैमेज गाड़ी का फ्रेट ज़्यादा होता है क्योंकि ये खुद चल नहीं सकती, रिकवरी के थ्रू या लिफ्टर के थ्रू आप जो है इस गाड़ी को मूव करेंगे और ये प्रॉब्लम होती है लिफ्ट इसको मूव करने की, तो एक तकरीबन 2,20,000 के लगभग आप इसकी फ्रेट ले लें, मल्टीप्लाई करें इसको 2.234 के साथ, आज रेट यही था यानी कि टीटी का, और एक गाड़ी उठी भी है। इस तरह आप जिस तरह यूट्यूब के जितने भाई हैं, जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं हमारे, तो उनमें से एक पार्टी के लिए मैंने ऑलरेडी एक गाड़ी जो है बिड की हुई है, टोयोटा सियंटा, वो गाड़ी विन हुई है कल, और उसकी टीटी मैंने कंफर्म की है इस रेट में, मल्टीप्लाई किया 10,16,000 रुपये आ गए, ठीक है। इसके बाद ड्यूटी का मैंने बताया 18,26,000 रुपये इसकी ड्यूटी आ रही थी यहाँ पे शीट के मुताबिक, 18,29,000 ड्यूटी हो गई, अदर एक्सपेंसेस का आ जा नहीं कोई लाख तक, और इसके अलावा अगर उसकी इसकी पीआरसी की बात की जाए 18 लाख की आपको ये कोई 3,20,000 के लगभग आपको मिल सकती है, क्योंकि 3.5 लाख की मैंने टोयोटा सियंटा के लिए तकरीबन 23 लाख रुपये पीआरसी के लिए मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, ठीक है। पासपोर्ट तो 3,20,000 के लगभग आपको 18 लाख की या 19 लाख रुपये की पीआरसी मिल सकती है, वेट कर दे तो 32,65,000 में आपको ये गाड़ी पड़ रही है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बम्पर की अगर अखराजात लिए जाए इसकी रिपेयर की, तकरीबन इस पर ये कोई आपकी 2-2.5 लाख रुपए इसके इस पर ऊपर एक्स्ट्रा आपके आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी पार्ट्स लिए जाएँ, इसको रिपेयर किया जाए, तो फ़र्ज़ करें 3 लाख रुपए अगर आप इस पर एड कर दें रिपेयर के, तो 35,65,000 में आपको पासवर्ड मोडा पड़ रही है, और 22 मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश है। आपको इसमें फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल आपको ब्रैंड न्यू गाड़ी जो कि हिट हुई जो भी मसला है एक्सीडेंट गाड़ी, लो माइलेज के साथ, बिल्कुल फ्रेश इंजन के साथ, न्यू मॉडल, तो आपको ये कम कॉस्टिंग में पड़ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 35 लाख की आपको ये पड़ रही है, और अगर इसी गाड़ी को अगर आप बिल्कुल सही सलामत लेंगे, ग्रेड की गाड़ी लेंगे, तो ड्यूटी भी ज़्यादा है, गाड़ी भी आपको महंगी पड़ेगी। 2020 मॉडल आपको मोड़ा 20-30 हज़ार चली हुई ग्रेड 4 गाड़ी, 4.5 ग्रेड की गाड़ी आपको ये कोई 42 लाख रुपये के लगभग आपको पड़ सकती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये गाड़ी सस्ती पड़ रही है। इसके बाद जो अगर जो है हम दूसरी गाड़ी के बारे में देखें, तो एक्वा की अगर मैं करूं कैलकुलेशन, तो एक्वा आजकल नॉर्मली कोई 65 लाख-62 लाख के लगभग आपको एक ग्रेड की गाड़ी, स्टाइल ब्लैक या पोस्टार्ट गाड़ी आपको मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्वा की तरफ जाता हूँ, एक्वा ये असल में अपासो एक्वा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल गाड़ियाँ यहाँ पर मार्केट में इसकी सेल रिसेल बेहतर है, लोग पसंद करते हैं इसको लेते हैं, तो इस वजह से मैं इसकी कॉस्टिंग निकाल रहा हूँ। यहाँ पे अगर सोल पे क्लिक करूँ, इसमें न्यू शेप भी है, न्यू शेप भी चेक कर लेते हैं कि क्या कॉस्टिंग आ सकती है हमारे पास। यहाँ पे आते हैं ग्रेड्स पे, तो 0 ग्रेड में सेलेक्ट किया, एक्स सेलेक्ट किया, आर और आर ए को तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये तो एक्सीडेंट में नहीं, ये ऑलरेडी रिपेयर गाड़ी में आती है, ठीक है। तो अच्छा 99 भी भूल गया, तो 99 पे भी क्लिक करता हूँ मैं, सर्च क्लिक किया मैंने जी, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ आ गई मेरे पास। अच्छा जी यहाँ पे ये गाड़ी 21 मॉडल है, रेड कलर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे ही हम चेक कर रहे हैं, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, इसको छोड़ देते हैं, और ये 5.5 लाख की भी किया, चेक करते हैं क्या मसला है इस गाड़ी में, न्यू शेप की गाड़ी है। अच्छा जी यहाँ पे ये गाड़ी भी बहुत ज़्यादा डैमेज है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी रेट थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं। USS की गाड़ी से आपने दूर रहना है, उसमें अक्सर जो है मसले ज़्यादा होते हैं, आपको पिक्चर्स वाज़े तौर पे नहीं दिखाते, मैं एक मरतबा इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठा चुका हूँ ये USS की गाड़ी में, प्रीवियस गाड़ी मैंने उठाई थी 2011 मॉडल, तो उनसे आपने दूर रहना, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे 2020 की कोई गाड़ी देखते हैं, एक मिनट जी यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, इसको 2020 कर लेता हूँ कि 2020 की गाड़ी हमारे पास कितने की है, क्योंकि 2020 से नीचे हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते एक्वा में। अच्छा जी यहाँ पर आते हैं, ये है एक्स ग्रेड की है, नो क्लेम की गाड़ी है, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी खोली हुई है मैंने, और काफ़ी कम गाड़ियाँ इतनी नहीं है इसमें, क्योंकि दूसरे महीने में चली जाती हैं, डैमेज गाड़ियाँ इतनी नहीं है ऑक्शन में। अच्छा यहाँ पे इस गाड़ी को अगर देखें, तो इसके फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने
एयरबैग्स चेक करने कि एयरबैग सलामत है। जी बिल्कुल एयरबैग इसके सलामत हैं। स्टाइल ब्लैक पैकेज है, 36,000 चली हुई है, 20 मॉडल है और ब्लू टाइप कलर की गाड़ी है और ये बिकी है 7 लाख में, ठीक है। और इसमें क्या डैमेज है, इसमें अगर आप देखें तो फ्रंट में, फ्रंट का जितना काम है बम्पर में, उसकी ग्रिल्स है और ये सारे डैमेज हैं हल्का पुल्का। यहाँ पे इसकी बोनट को भी जोर पहुँचा होगा तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन हल्के पुल्के अगर आप इसको घर के लिए रख रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। और इसके हेडलाइट्स भी आपने चेंज करना होंगे। तो चलिए दूसरी कोई गाड़ी देखते हैं। अच्छा ये अगर आप देखें तो ये साइड से यहाँ पे हिट हुई है, टायर को भी थोड़ा सा ज़ोर पहुँचा है। हेडलाइट्स इसके सलामत हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि लाइन यहाँ तक इतनी नहीं पहुँची। लेकिन ये एक साइड जो है इसका काफ़ी जो है नुकसान है हुआ है। और उस साइड पे अगर आप देखें, पिक्चर नहीं दी गई लेकिन अगर फर्स्ट कर लें, अगर आप गाड़ी उठा रहे, 3,000 चली हुई है, लो माइलेज है, 4,80,000 एक अच्छी प्राइस है। और अगर टायर में भी कोई नुकसान हुआ तो नीचे राड टूटा होगा, कोई ना कोई मसला होगा, उसके भी पार्ट्स मिल सकते हैं, उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे मैकेनिक्स हैं जो कि गाड़ी को रिपेयर कर सकते हैं। 4,80,000 में गाड़ी उठी है जी, डैमेज गाड़ी है लेकिन चलने के काबिल है क्योंकि ऑक्शन रूम तक आई है जहाँ पे ये पिक्चर्स ली जाती हैं इसकी, तो गाड़ी चल सकती है ख़ुद। तो नॉर्मल फ्रेट होगी इसकी 2 लाख, फर्ज कर लें इसकी फ्रेट लगा लें, मल्टीप्लाई 2.23 कर दें, 15,16,000 जापान भिजवा दिए। इसके बाद इसकी ड्यूटी अगर देखी जाए तो ड्यूटी नॉन हाइब्रिड की शीट को ली हुई है, हाइब्रिड की तरफ चले जाते हैं। हाइब्रिड में अगर आप यहाँ पे आएँ तो 2020 मॉडल के लिए ड्यूटी 1500 cc 31 लाख के, लेकिन आजकल 3.5 लाख की क्योंकि शीट पुरानी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आ जाते हैं, उसमें ड्यूटी ऐड कर देते हैं, 3.5 लाख रुपये ड्यूटी है। अदर एक्सपेंस 1,10,000 के लगभग आ जाता है विदाउट डिटेंशन डैमेज। तो ये आ गया। इसके बाद जो है इसमें PRC ऐड कर दें तो आपको PRC 30 लाख की कोई 4 लाख के लगभग मिल सकती है, क्योंकि 23 लाख की आपको 3.5 लाख की मिल रही है। तो 4 लाख रुपये PRC के ऐड कर दें तो 50,76,000 तक आपको ये बिल्कुल लो माइलेज गाड़ी स्टाइल ब्लैक जो कि लोडेड ज़ुमरे में आती है तो ये आपको कॉस्ट कर रही है। इसके अगर रिपेयर एक्सपेंस की बात की जाए तो मैक्सिमम आप अगर आप देखें इसके बम्पर में तो बम्पर इतना नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इस फेंडर को नुकसान पहुंचा है, फेंडर आपने चेंज करना है और बाकी गाड़ी सेट है। नीचे अगर कोई मैकेनिक का काम हो तो वो कर ले। तो मैक्सिमम अगर आप लें तो 3 लाख रुपये अगर इसमें आप एड कर दें तो आपको 53,54,000 रुपये में आपको ये गाड़ी पड़ रही है जो कि एक अच्छी कॉस्टिंग है, लेकिन आपको ग्रेड की गाड़ी नहीं मिलेगी। आप किसी को नहीं कह सकते कि आप ग्रेड की गाड़ी दे रहे हैं उनको या सेल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट यही गाड़ियां जो है आके रिपेयर होकर आपको जो है सेल करते हैं। और ये अपने जो है कोई टचिंग की गाड़ी नहीं होती, यही पीस जो है फेंडर ये अपने कलर में, जेन्युइन कलर में मिल सकती है यहाँ पे मार्केट में या वहीं से जापान में, इसमें जो है डाल देते हैं गाड़ी के अंदर और ले आते हैं यहाँ पर, कस्टम ड्यूटी पे करके इसी पीस को रिप्लेस कर देते हैं। तो उनकी बात भी ठीक होती है कि गाड़ी में कोई टचिंग नहीं है और जो है गाड़ी एक्सीडेंट भी होती है लेकिन आप उसको समझ नहीं पाती है और आप इसी गाड़ी को फिर ले लेते हैं। तकरीबन ये कोई 65 लाख के लगभग आपको सेल कर सकते हैं ये गाड़ी, ठीक है। इसके बाद अगर किसी दूसरी गाड़ी के बारे में चेक करते हैं, एक मिनट यहाँ पे इस गाड़ी को देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू है। अगर यहाँ पर इसके डोर्स को देखें, दोनों डोर्स को रिप्लेस कर दें और कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रही तो अभी 5,23,000 में बिकी है स्टाइल ब्रेक गाड़ी, किस मॉडल है। यहाँ पर अगर आप इस वाली शेप को देख लें, न्यू शेप कम कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं क्या इशू है। या मेरे ख्याल से ये इस साइड से हिट हुई है गाड़ी, ठीक है। तो अगर इसमें भी आपने देखें तो बम्पर भी कटा हुआ है और फेंडर को भी नुकसान पहुंचा हुआ है और साथ में इसकी एक हेडलाइट जो सिंपल हेडलाइट है LED वाली नहीं है तो इसको भी नुकसान पहुँचा है। 5.5 लाख रुपये में ये गाड़ी सेल हुई है, 2022 मॉडल है। तो चेक कर लेते हैं जी, 5.5 लाख की गाड़ी है और 2 लाख मेरे ख्याल से गाड़ी चलने के काबिल है। 2 लाख फ्रेट एड कर दें, मल्टीप्लाई 2.23 कर दें। इसके बाद इसकी ड्यूटी की बारी आती है तो ड्यूटी हाइब्रिड गाड़ी है, 2022 मॉडल है, 41 लाख रुपए इसकी ड्यूटी है, सिर्फ 43,20,000 तकरीबन। अभी आजकल कोई 40 लाख के या 40 लाख रुपये इसकी ड्यूटी आ रही होगी तो 4 लाख इसमें ड्यूटी ऐड कर दें, ठीक है। अदर एक्सपेंस 1,10,000 ऐड कर दें। इसके बाद जो है 40 लाख की PRC आपको कोई 4.5 लाख के लगभग, 4.80 के लगभग मिल सकती है, 4,80,000 इसमें उसके ऐड कर दें। अच्छा अगर इसकी रिपेयर की बात की जाए तो हेडलाइट्स
हेडलाइट तो सिर्फ एक हेडलाइट इसका आपने चेंज करना होगा, बम्पर भी आपने इसका लेना होगा और फेंडर भी अगर आप इसको रिप्लेस करें तो आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी नॉर्मल अगर आप देखें 4.5 लाख रुपये लगा लें कि अगर आपकी इसकी रिपेयर पे आ जाएँ तो 67 लाख रुपये में आपको 2022 मॉडल एक्वा जो कि इसमें बेस वेरियंट लग रहा है, एक्स इतना लोडेड नहीं है और जेड इसमें लोडेड है, तो आपको ये गाड़ी पड़ सकती है। इसके अलावा और गाड़ियाँ मैंने वर्ड्स में चेक की, लेकिन वर्ड्स में मसला ये आ रहा है कि शो यहाँ पे स्क्रीन पे 2020 हो रही होती है, लेकिन गाड़ी असल में होती जो है डैमेज 2019 मॉडल निकलती है। चेसिस आईडी का मैं डालता हूँ तो चेसिस नंबर से वो 2019 निकल आती है, तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास ठीक नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कुछ और गाड़ियों की भी मैं करूँ इंशाल्लाह। ये दो गाड़ी की मैंने कर ली, इसके बाद नेक्स्ट जो है होंडा की गाड़ी में, एक्सजो की गाड़ी में, प्रियस में भी मैं चेक करूँगा और अल्टो वगैरह में भी चेक करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर छोटा माल जो है 600 cc 1000 cc यह डैमेज में आता है, उसको रिपेयर पे इतना ख़र्चा नहीं आता। हाइब्रिड गाड़ी पे थोड़ा सा इशू ये होता है कि उसके पार्ट्स बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं और एक एक पीस जो है काफ़ी महंगा होता है एक एक पार्ट। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो नेक्स्ट में बनाऊँगा। तो काइंडली अभी तक के लिए इतना ही, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।